हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिंडीगुल फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, जो प्रोसेसेस करती है होल मिल्क एंड स्किम्ड मिल्क टू प्रोड्यूस वेरियस डेयरी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें इंक्लूड है मिल्क प्रोटीन कंसनट्रेट, स्किम्ड मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर, वे प्रोटीन कंसनट्रेट, मिल्क वे पाउडर, कैसीन, अनब्रांडेड क्रीम बटर एंड फैट फिल्ड पाउडर्स फॉर इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला। इस कंपनी की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो सिचुएटेड है इन डिंडीगुल, जो कवर करती है एरिया ऑफ 15 एकर्स का। ये जो कंपनी है वो फॉलो एंड कंप्लाइज करती है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस रिलेवेंट अथॉरिटी इन द इंडस्ट्री, जैसे कि FSSAI, हलाल कोशर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, यूरोप रेगुलेशन का। इस कंपनी ने साथ साथ ऑब्टेन कर रखा है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम अपेडा, एंड इस कंपनी ने जो नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश कर रखा है ऑफ ओवर 153 विलेज कलेक्शन सेंटर, जो प्रोवाइड कराता है डायरेक्ट एक्सेस टू मोर देन 4000 फार्मर्स एंड 50 डेयरी फार्म्स का। ये जो कंपनी है वो प्रोडक्ट है वो सेल करती है अंडर द ब्रांड नेम एन न्यूट्रिका एंड एक्टिव डे के नाम से, एंड जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड करती है इन ओवर 15 स्टेट विद इन द कंट्री एंड 3 कंट्रीज इंटरनेशनली। 23 दिसंबर 2023 तक कंपनी के 101 एम्प्लॉयज है। तो ये तो हमने कंपनी के बारे में ब्रीफ में देख लिया कि कंपनी क्या काम करती है, कहाँ पे अपने प्रोडक्ट सोल करती है, बाकी जो अपना प्रोडक्ट सोल सेल करती है किस ब्रांड नेम के अंदर सेल करती है। तो जो भी इस कंपनी के बारे में हमें जानना ज़रूरी था वो अभी हमने ब्रीफ में देख लिया है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप उसे स्क्रीन पर देख कर पढ़ सकते हैं और वहाँ से और भी डिटेल में जान सकते हैं। आगे हम इस वीडियो को 4 पॉइंट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट में हम आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, सेकेंड में हम कंपनी के फाइनेंस को देखेंगे, थर्ड में हम कंपनी के जीएमपी को देखेंगे, एंड फोर्थ में हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखिएगा, ताकि आप इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ या फिर किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी नई वीडियोस लेकर आओ, या फिर किसी भी जब भी कोई लास्ट मोमेंट पे किसी भी आईपीओ से रिलेटेड मेरा कोई डिसीजन चेंज होता है उस रिगार्डिंग कोई वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आप भी सही से सही आईपीओ में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चलते हैं इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स पर। ये जो आईपीओ है वो ओपन हो चुका है 20 जून 2024 को एंड क्लोज होगा 24 जून 2024 को। अब इसकी इंटीमेशन कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, इसकी इंटीमेशन मिल जाएगी आपको 25 जून 2024 तक। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो उसका जो अमाउंट है वो आपको रिफंड होगा 26 जून 2024 तक। अब इसकी लिस्टिंग डेट की, शेयर मार्केट में कब लिस्टेड होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं 27 जून 2024, यानी 27 जून 2024 को ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो रखा है 51 to 54 rupees पर शेयर का। 54 rupees इस आईपीओ की कट ऑफ प्राइस होने वाली है। एक लोट में 2000 शेयर होने वाले हैं। टोटल इश्यू साइज जो इस आईपीओ का है वो है 34.83 करोड़ का, और ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इश्यू है। इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, और एक एसएमई शेयर है। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 1,79,79,280 की। पोस्ट इशू हो जाएगी 2,44,29,280 की। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एक लोट के लिए और मैक्सिमम एक लोट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट है 1,08,000 का। पर अगर आपको एचएनआई से अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम दो लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होगा 2,16,000 का। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं कि प्री इशू एंड पोस्ट इशू प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। प्री इशू है 80.66%, पोस्ट इशू हो जाएगी 59.36% की। अब हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने परसेंट से आईपीओ का रिजर्वेशन रखा गया है। तो जो एनकोर इन्वेस्टर है उनके लिए रखा है 24.43% का आईपीओ का रिजर्वेशन।
और मार्केट मेकर के लिए रखा है 5.05% का आईपीओ का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए रखा है 19.01% का आईपीओ का रिजर्वेशन, एचएनआई के लिए रखा है 14.26% का आईपीओ का रिजर्वेशन, रिटेल के लिए रखा है 33.24% का आईपीओ का रिजर्वेशन। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। हमारे पास 3 साल का डाटा है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 एंड 31 दिसंबर 2023 तक का भी हमारे पास डाटा है, जिसमें हमारे पास है एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, टोटल एंड टोटल बोरोइंग्स, और जो अमाउंट है वो हमें शो हो रहे हैं इन लेक्स में। तो जो 31 मार्च 2021 को एसेट थी वो थी 2,995.07 लेक्स की, मार्च 2022 में होगी 2,995.07 लेक्स की, मार्च 2023 में हो रही 2,899.85 लेक्स की एंड 31 दिसंबर 2023 तक ऑलरेडी एक्सीड है जो है 5,123.46 लेक्स का। तो बस देखें, अगर हम चारों साल के हिसाब से तो सिर्फ एक साल ही कम हुआ है, वो भी स्लाइटली ज़्यादा अमाउंट से नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या लेकर चलते हैं, एसेट्स को एक तरह से प्लस वन में लेकर चलते हैं। रेवेन्यू हमारे पास 31 मार्च 2021 को था 1,840.72 लेक्स का, मार्च 2022 में हो गया 2,845.07 लेक्स का, मार्च 2023 में हो गया 8,199.34 लेक्स का एंड 31 दिसंबर 2023 तक जो अभी रेवेन्यू है वो है 6,876.65 लेक्स का। पर हो सकता है कि मार्च 2024 तक की एंडिंग तक मार्च 2023 के अमाउंट को भी एक्सिट कर जाए। तो हम जो रेवेन्यू है अगर हम 3 साल के डाटा के हिसाब से देखें लगातार इंक्रीज है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास 31 मार्च 2021 को था नेगेटिव में 461.19 लेक्स का, मार्च 2022 में जो 2021 का नेगेटिव बैलेंस था उसको वो कम हो गया, जो रह गया 420.08 लेक्स से नेगेटिव में। मार्च 2023 को उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जो इंक्रीज हो चुका है 525.79 लेक्स का, यानी पॉजिटिव हो गया इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2023 में एंड 31 दिसंबर 2023 तक के ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज कर चुके हैं, एक्सीड कर चुके हैं 2023 से, जो हो चुका है 588.40 लेक्स का। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगातार हर साल क्या रहा है, इंक्रीज रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। नेटवर्थ हमारे पास 31 मार्च 2021 को थी 1,742.64 लेक्स से नेगेटिव में, जो मार्च 2022 को नेगेटिव और बढ़ गया, जो हो गया 2,162.72 लेक्स का। फिर मार्च 2023 में इन्होंने कम किया अपना नेगेटिव बैलेंस को, जो रह गया 1,638.46 लेक्स का एंड 31 दिसंबर 2023 में अभी ये पॉजिटिव चल रहे हैं, जो है 393.94 लेक्स का। तो जो नेट वर्थ है, एक साल कम, एक साल ज़्यादा, फिर एक साल वापस कम हो गई, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट लेकर चलते हैं। टोटल बोइंग्स हमारे पास 31 मार्च 2021 को थी 2,716.23 लेक्स की, मार्च 2022 में कम हो गई, जो रह गई 2,579.25 लेक्स की, मार्च 2023 में और कम हो गई, जो रह गई 2,398.37 लेक्स की एंड 31 दिसंबर 2023 तक की ऑलरेडी एक से कम है, जो है 2,263.87 लेक्स की। तो जो टोटल बोइंग्स लगातार हर साल कम मतलब डिक्रीज हुई है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें कि जो रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है इन 2023 कंपैरिजन टू 2022, तो जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 188.19% से, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रेज हुआ है 225.16% से इन 2023 कंपैरिजन टू 2022 के। बात करते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 131.92 करोड़ की, केपीआई एज ऑन 31 दिसंबर 2023 दे रखे हैं, जिसमें है रिटर्न ऑन इक्विटी 0.95% का नेगेटिव का, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है 0.62%, रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 149.49%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 4.63, पीबीवी है 23.58, पीएटी मार्जिन है 8.57, ईपीएस है प्री आईपीओ 2.92, पोस्ट आईपीओ है 3.21, पीईएस का प्री आईपीओ 18.47, पोस्ट आईपीओ रह जाएगा 16.81 का। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर 15 से 20 या फिर उससे ज़्यादा है तो ये हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है, अदरवाइज वो हमारे लिए क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव परसेंट में चल रहा है 0.95% से, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 0.62%, यानी कि 0% के आसपास ही है, तो इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये भी 15% से कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 4.63, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है हमारे पास 149.49%, यानी 15 से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे लिए प्लस पॉइंट तब होता है जब वो 1 से कम होता है, अगर 1 से कम है तो प्लस पॉइंट है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 4.63, यानी कि 1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है।
चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के जीएमपी की। 16 जून 2024 को इसका जीएमपी था 27 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 50% का। 17 जून 2024 को इसका जीएमपी हो गया 45 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 83.33% का। 18 जून 2024 का इसका जीएमपी हो गया 64 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 118.52% का। 19 जून 2024 का इसका जीएमपी हो गया 70 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 129.63% का। 20 जून 2024 जब ये आईपीओ ओपन हुआ उस समय जो इसका जीएमपी चल रहा था वो 65 रुपीज चल रहा था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 120.37% का। 21 जून 2024 को इसका जीएमपी चल रहा था 68 रुपीस का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 125.93% का। एंड 22 जून 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय जो इसका करंट जीएमपी चल रहा है वो भी सेम चल रहा है 68 रुपीस का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 125.93% का। तो अगर हम एक प्रॉफिट का अंदाजा लगाएं कि अगर ये आईपीओ इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर मार्केट में लिस्टेड होता है तो हमें कितने तक का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो जैसा कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,08,000 का और अगर हम इसमें जीएमपी ऐड कर दें 125.93% तो हमें लगभग 1,36,000 के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे अगर ये इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर मार्केट में लिस्टेड होता है तो। पर जो जीएमपी हो क्या है डे टू डे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर लिस्टेड हो सकता है कि इसके आगे ज़्यादा भी हो जाए या फिर डिक्रीज भी हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आईपीओ 24 जून को क्लोज होने वाला है तो हम 23 जून को यानी कि कल ये एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे। जो भी हमारा डिसीजन लेने वाले हैं अप्लाई करने का या फिर नहीं करने का, वो डिसीजन को या तो कंटिन्यू या फिर डिसकंटिन्यू जो भी करने का डिसीजन होगा हम एक फाइनल रिव्यू ले लेंगे 23 जून की वीडियो में। अगर मान लीजिए आगे 23 कल तक भी इसका जीएमपी कम हो जाता है और हमें हमारा जो डिसीजन अगर हमने आज लिया अप्लाई करने का उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है या फिर वही हमें डिसीजन कंटिन्यू करना है, जो भी होगा हम जो हम 23 जून को अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे उसमें एक बार हम फाइनली डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह की कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके, या फिर कभी भी कोई नए आईपीओ से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ, या फिर लास्ट मोमेंट पे कभी भी मेरा कोई डिसीजन चेंज होता है तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेशन हो तो आप उन अपडेशनों से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हेल्प मिल सके। चलिए अब हम एनालाइज करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हमने इस कंपनी के फाइनेंस देखे, फाइनेंस में जो थे वो सारे पॉइंट पॉजिटिव थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, एसेट्स, बोरोइंग, सिर्फ नेट वर्थ था उसको हमने क्या कंसीडर किया था, नेगेटिव कंसीडर किया था। फिर हमने इसके केपीआई देखे, केपीआई में जो था वो सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट थे, जिसमें सिर्फ रिटर्न और नेटवर्थ था वो तो क्या था हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट था क्योंकि वो क्या था 15 से ज़्यादा था। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब क्या थे 15 से कम थे, यानी कि 1% से भी रिटर्न ऑन इक्विटी जो था वो नेगेटिव में था और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 0.65% ही था, यानी 15 से कम थे, ये जो तो हमारे लिए क्या थे नेगेटिव पॉइंट थे। डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमारे लिए क्या था नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि वो 1 से काफ़ी ज़्यादा था और इसका जो जीएमपी है वो क्या चल रहा है फिलहाल अभी 125.93% चल रहा है। ये एक एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो हायर रिस्क वाले आईपीओ होते हैं, तो अगर आप 0% रिस्क लेना चाहते हैं तो उस आईपीओ में तभी अप्लाई करें जब उस आईपीओ का जीएमपी 100% से ज़्यादा हो और साथ साथ उस आईपीओ के जो फाइनेंस फैक्टर है, केपीआई फैक्टर है, वो सारे क्या हो पॉजिटिव में दिखा रहे हो और साथ साथ उसका जीएमपी 100% से ज़्यादा हो। अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है और बाकी उसके फाइनेंस केपीआई फैक्टर सब पॉजिटिव पॉइंट में है फिर भी उस आईपीओ में कितना रिस्क रहता है 20 से 30% का रिस्क रहता है। ये 20 से 30% का रिस्क भी इसलिए रहता है क्योंकि जब आईपीओ क्लोज होता है और जब आईपीओ लिस्टेड होता है उसमें जो डेज का डिफरेंस होता है कई बार काफी ज्यादा हो जाता है, तो उस बीच हो सकता है कि उस आईपीओ का जीएमपी गिर जाए या फिर मार्केट स्टॉक जो स्टॉक मार्केट कंडीशन है वो लो चल रही हो तो उस आईपीओ के जीएमपी को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो 20 से 30% होता है इवन उसके फाइनेंस फैक्टर भी पॉजिटिव होने के बावजूद भी। तो अभी फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी कितना है 125.93%, तो अगर हम देखें तो 100% से ज्यादा है, पर अभी हमने इसके जो फाइनेंस और केपीआई फैक्टर देखे वो जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव में है उसमें बहुत सारे, तो उस बेसिस पे मैं अभी फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ इवन इसका जो जीएमपी वो 100% से होने के बावजूद भी। हम क्या करेंगे जब ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, कल 24 जून को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे 23 जून को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि हो सकता है कि कल तक इसका जो आईपीओ का जीएमपी अभी फिलहाल 125 है, हो सकता है कि कल ये 100% से डाउन चला जाए, तो ऐसे में जो भी होगा तो हम अभी फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके फाइनेंस और केपीआई फैक्टर है वो सारे बहुत सारी चीज़ें वो नेगेटिव में है और साथ साथ हो अभी हमारे पास आईपीओ में अप्लाई करने का टाइम है कि जरूरी नहीं कि अगर हम फर्स्ट डे पे या सेकंड डे पे अप्लाई करेंगे तो हमारे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप कभी भी अप्लाई करें आपके अलॉट होने के चांसेस इक्वली
करते हैं, चाहे आप आईपीओ क्लोज हो रहा हो उस समय अप्लाई करें। तो अभी फिलहाल इस आईपीओ को होल्ड करके रखते हैं, हो सकता है कि आगे जाके जिसका जीएमपी उस बेसिस पे आगे जाके हमारे लिए अच्छा आईपीओ साबित हो जाए, पर हम अभी इस आईपीओ के जीएमपी को या तो बढ़ने का और डिक्रीज होने का वेट करते हैं। जैसे कि आईपीओ 24 को क्लोज होने वाला है, तो हम 23 जून को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जो भी फाइनल इसका जीएमपी होगा और जो भी हमारा जो फाइनल डिसीजन होगा उसको कंसिडर करते हुए हम एक डिसीजन ले लेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या नहीं। तो 23 तारीख को जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी, उस वीडियो में हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं आप कल इसकी आईपीओ की अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उस वीडियो से अपडेटेड ले सके और आपको भी सही से सही आईपीओ के डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। तो मैंने आपको मेरा फाइनल डिसीजन बता दिया है कि अभी फिलहाल मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं जब इस आईपीओ की कल अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें हम एक बार फाइनल रिव्यू लेके फाइनल डिसीजन लेंगे। बाकी आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।